दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं टेट की तैयारी तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मिनिमल सब्सक्रिप्शन फीस में आप अनलिमिटेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी में कोर्सेज हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफी चीपर है। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ओनली 900 रुपीज में, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल कोड यूज करेंगे। रेफरल कोड को यूज करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड MCQs, फ्री लेसन्स, ई बुक्स एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा। साथ ही साथ सारे लेसन्स एड फ्री होंगे। सो गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 इंग्लिश पेडागॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि सीटेट, यूपीटेट एग्जाम या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्लीज़ पूरा कंप्लीट अच्छे से देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर से जो भी सीटेट में या किसी भी स्टेट टेट में एग्जाम पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ये पूरी सीरीज है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A teacher can cater to the learning styles of all the children by, हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होता है या ग्रैस्पिंग कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग मन मन में पढ़ के सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, कुछ ज़ोर ज़ोर से बोल करके सीखते हैं। तो एक टीचर का ये काम है या कैसे वो मीट करे हर बच्चे की जो डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं लर्निंग की उनको। फर्स्ट ऑप्शन है एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू जॉइन ड्राॅइंग, डांस, म्यूजिक क्लासेस। Second, employing a variety of teaching methods and mode of assessment which cater to diversity among learners. Third, teaching every lesson thoroughly and revising the lessons. Or fourth, testing the children frequently. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड ऑप्शन, कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट मैथड से टीचर पढ़ाए, डिफरेंट मोड्स ऑफ असेसमेंट ले, ठीक है, जिससे कि जो डाइवर्सिटी है क्लास में, जो अलग अलग बोलचाल भी है या अलग बैकग्राउंड से हैं बच्चे या डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स हैं वो सब कुछ मीट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एज पार्ट ऑफ अ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान्ड अ सैलेड फ्रूट सेलिब्रेशन। एक टीचर है वो क्लास में एक प्रोजेक्ट रखती है जहाँ पर वो सैलेड फ्रूट सेलिब्रेशन रखती है डे, ठीक है, जिसमें जो हर बच्चा है, हर स्टूडेंट है, उसको पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। तो जो बॉयज़ हैं क्लास के वो प्रोटेस्ट करते हैं उन इस एक्टिविटी के लिए। उनको लगता है कि ये जो कुकिंग जो चीज़ है ये बॉयज़ नहीं करते हैं, ये लड़कियों का काम है कुकिंग करना, लड़कों का काम नहीं है, तो वो ये एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो बीइंग अ टीचर आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेक एन अटेम्प्ट टू काउंसिल द बॉयज इम्प्रेसिंग अपॉन देम दैट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज नॉट हेल्दी। सेकेंड रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द बॉयज एंड अलाउ देम नॉट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास प्रोजेक्ट। और थर्ड इग्नोर सच प्रोटेस्ट एंड टेल द बॉयज वॉट शी थिंक्स ऑफ देयर बायसेस। और फोर्थ कंप्लेन टू द हेड ऑफ द स्कूल सीकिंग एक्शन अगेंस्ट द बॉयज। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, वो काउंसिल करेगा। एक टीचर का काम है कि बॉयज़ को काउंसिल करेगा, ठीक है, उनको समझाएगा कि ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है या लड़का लड़की में जो भेदभाव है या समाज ने ये चीज़ कर दी है कि लड़कियों का काम कुकिंग है और लड़कों का काम है बाहर जा करके जॉब करना, ये चीज़ें हेल्दी नहीं है और इस तरीके की सोच वो लोग ना रखें, ठीक है, काउंसलिंग की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। द लिजर्ड्स एट फ्लाई, जो छिपकली है उसने फ्लाई को खा लिया या मक्खी को खा लिया। द फ्लाई एट द लिजर्ड, जो मक्खी है उसने लिजर्ड को खा लिया। अब देखते हैं एक टीचर इन एग्जाम्पल्स को, टीचर कैन यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट, जो टीचर है वो इन एग्जाम्पल को यूज़ करके क्या एक्सप्लेन कर सकता है। नंबर 1, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, दे आर अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, देयर इज नो डिफरेंस इन द 2 सेंटेंसेज बिकॉज बोथ हैव द सेम वर्ड्स, और वेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज पोजिशंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो जो मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए पहले लिजर्ड था, फिर फ्लाई था, फिर फ्लाई है, लिजर्ट है, तो मीनिंग चेंज हो गया ना, पहले था कि छिपकली ने मक्खी को खा लिया, फिर है मक्खी ने छिपकली को खा लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ये टीचर ये समझाना चाहता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. रितु ऑफन मेक्स एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड. द टीचर कैन हेल्प हर बाय. नंबर वन, आस्किंग रितु टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग हर. आस्किंग रितु टू राइट द रूल्स 10 times इन हर नोटबुक. टेकिंग अप मैनी एग्जाम्पल्स फॉर द एंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रितु. और एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर. तो जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. भाई वो क्लास में जो टीचर है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेगी सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड से रिलेटेड ही, ठीक है, और स्पेशल अटेंशन वो रितु पे पे करेगी कि उसको वो चीज़ अच्छे से आ जाए या जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ रहा है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली. एज हर टीचर व्हाट विल यू डू. रिया एक स्टूडेंट है जो कि स्माइल और स्कूल वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाती है, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे उसकी ये जो वीकनेस है उसको सही करने के लिए या इस मिस्टेक को उसकी सही करने के लिए. ह्यूमिलिएट रिया बाय आइसोलेटिंग हर एंड आस्किंग हर टू रिपीट द वर्ड्स. और आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट द वर्ड्स एंड अप्रिशिएटिंग रिया व्हेन शी रिपीट्स देम करेक्टली. या फिर थर्ड, मेक रिया रिपीट द वर्ड्स मैनी टाइम्स. और फोर्थ, मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड साउंड पैटर्न एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम. अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही लग रहा है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही लग रहा है. दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, दोनों ही की जा सकती हैं, लेकिन जो बेहतर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे रिया के साथ साथ पूरी क्लास को भी साउंड पैटर्न का या डिफ्रेंसिएशन समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स. नंबर 1, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग. 2, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स. 3, एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स. और 4, टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम. कॉम्पिटिशन, एनवी, सिंपथी या कोलेबोरेशन. तो इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पे भी आएगा वहाँ ग्रुप एक्टिविटीज़ या फिर कोलेबोरेशन जाएगा आंसर आपका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू. नंबर 1, स्ट्रेंथन द रोल लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स. 2, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स. 3, इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर्स. और 4, इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर्स. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, एनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज अमंग द लर्नर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज. जो भी लर्नर है उनको इन्वॉल्व कर दिया गया है क्लास में. इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं वो, पेयर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ग्रुप वर्क या होल क्लास वर्क भी कर सकते हैं. बिकॉज ये जो एक्टिविटीज़ है ये किस चीज़ में हेल्प कर रही है. फर्स्ट, प्रोवाइड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन अ क्लासरूम और हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम. एनेबल द ऑलरेडी ओवरवर्क टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी देयर बाय बिकमिंग मोर इफेक्टिव. और अफोर्ड द लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज इन अ फोकस्ड मैनर फॉर रियल लाइफ इंटरैक्शन. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको चारों ऑप्शंस में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट. और फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन. और वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू. और फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इनटू गुड एवरेज और पुअर. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि भाई जो भी फॉर्मेटिव टास्क हैं वो हेल्प करते हैं इम्प्रूवमेंट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के. और कुछ कुछ जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क होते हैं वो असेसमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आज का लास्ट
क्वेश्चन है। सो गाइज, इसको कराने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के सीटेट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के मैं आपके लिए MCQs डेली बेसिस पे लाती रहूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको कॉन्टेंट समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट अटेम्प्ट दिस लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीफ अबाउट जेंडर बायस। भाई आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू जो एक कन्वेंशनल बिलीफ है औरत और मर्द में भेदभाव या लड़का लड़की में भेदभाव वाला, उसको हम ख़त्म कर सकें। शोइंग अ पिक्चर इन विच द मदर इज सीन कुकिंग एंड द फादर इज सीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप वॉश एंड स्यू इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और एनकरेजिंग गर्ल्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम अ यंग एज, और टेलिंग द गर्ल्स दैट टॉकिंग फ्रीली इज नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड गर्ल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 के। भाई जितने भी लर्नर्स हैं या क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सबको स्वीप करना, वॉश करना या फिर सिलना, वॉश करना मतलब धोना, चाहे बर्तन धोना हो चाहे कपड़े धोना हो, स्वीप करना या घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा भी बोल सकते हैं, या स्यू करना या सिलना, सबको क्राफ्ट क्लास में सिखाना चाहिए है बिना किसी भेदभाव के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को बराबर से समझाना चाहिए। सो गाइज, ये लेसन खत्म यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।